हमारे लाख चाहने के बावजूद कि हमारा जीवन शांति सुकून से बीते, तब भी कई बार हमारे ऐसे विरोधी या हमें ना पसंद करने वाले लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं कि पूछे मत, और जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमें उनसे फाइट करना पड़ता है। सो यहाँ पर ऐसे विरोधी की बात हो रही है या ऐसे ओपोनेंट की बात हो रही है जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, सो उससे कैसे निपटें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी आपके सामने इस तरीके का ओपोनेंट है या आपके सामने इस तरीके का व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता और हर चीज में रोड़े अटंगे अटकाता रहता है, सो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस पर्सन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकालिए, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है हर इंसान की वीकनेसेस भी होती हैं, सो उसकी वीकनेसेस जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट जो आता है कि भाई उसकी सारी चीजें आपने उसका खाका खींच लिया, क्योंकि भाई डेली उसने परेशान करना है, उसकी तो फितरत में शामिल है। उसके साथ साथ जो आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले और उसमें कुछ सीखने लायक चीज है, कुछ लर्न करने लायक चीज है, कुछ अपने में ढालने वाली चीज है, सो उसको भी अपनी आदत में शुमार करिएगा और अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम तो उसको दे ही रहे हो, सो उससे कुछ सीखने लायक हो तो वो सीख भी लो ना। और थर्ड पॉइंट, भाई जहां तक पॉसिबल हो बात नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं करना है, एंड कभी भी उससे कोई कॉन्वर्सेशन करना भी पड़ रहा है, सो बी डिप्लोमैट, यानी कि बात बतानी भी है लेकिन जितनी बताई है वो मतलब की बताई नहीं है। सो ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो चालाकी है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट फेस टू फेस आपको उससे कभी फाइट करनी ही नहीं है, उलझना ही नहीं है, जानते बूझते हुए भी कि सारे के सारे अड़ंगे इसी के क्रिएट करे हुए हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी की क्रिएट करी हुई हैं, तब भी अनजान बने रहना है। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैटर करता है कि जो इस तरीके की फितरत के लोग होते हैं, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, सो वो ताउम्र ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कभी वो आपसे बहुत फ्रेंडली भी हो जाते हैं या आपके बहुत हमदर्द बनने का नाटक भी कर लेते हैं, तब भी आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है और हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस ओपोनेंट से भिड़ने का भी मतलब ये होता है कि जैसे ना कहते हैं कीचड़ में ईंट डालना, सो हम ये सारी चीजें मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो उलझाते हैं कि और हमें प्रोवोक करते हैं कि हम उनसे लड़ाई झगड़ा करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ भी जाते हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर फिर अपनी चुप्पी मत साधिएगा, वहां पर उसको उसी के लैंग्वेज में, अच्छे शब्दों में उसको जवाब जरूर दीजिएगा कि अगली बार वो ध्यान रखे कि उसका पाला किससे पड़ा है। और अगर आपको जवाब देना नहीं आता है ना, सो मेरा वीडियो जवाब देने का सही तरीका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, और ऐसे लोगों को जवाब दिए बगैर जाने मत दीजिएगा। मेरा ये वीडियो 110% आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ से जुड़ी हुई जटिल समस्याओं का समाधान आपको फटाफट मिल जाए, सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।